खबर विदिशा जिले से है, जहां विधायक मुकेश टंडन द्वारा गर्ल्स कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान विधायक मुकेश टंडन कॉलेज की अव्यवस्थाओं से काफी नाराज भी दिखाई दिए। इसी के चलते विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि मैंने लगभग 4 लेबों का निरीक्षण किया है। जहां जहां मैंने देखा वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही कॉलेज भी समय पर नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की यदि हम बात करें तो स्टाफ भी कॉलेज में पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं था। इसके अलावा लाइब्रेरी में जो अधीक्षक और सह अधीक्षक का स्टाफ होता है वो भी नशे में था, उन्हें मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया और कॉलेज प्राचार्य को निर्देश दिया है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। वहीं कॉलेज प्राचार्य नीता पांडे का कहना है कि विधायक मुकेश टंडन और एसडीएम द्वारा कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। औचक निरीक्षण किया था, वहां साफ सफाई की दृष्टि से बहुत ही लापरवाही है। सारी जितने भी लैब्स हैं, होम साइंस से लेके वो बाकी सब 4 लेब हमने देखी, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई मशीनों में तो दीमक लगते हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पर पाई गई है। साथ में जो उपस्थित वहाँ के हमारे रेगुलर स्टाफ है, बाकी जो जनभागीदारी का स्टाफ है, गेस्ट फैकल्टीज हैं, उसमें भी कई जो है स्टाफ के लोग उपस्थित नहीं थे। परमानेंट में 4, गेस्ट फैकल्टीज में 5, इसके अलावा जन भागीदारी में लगभग 7 कर्मचारी वहाँ के अनुपस्थित पाए गए। विधायक माननीय विधायक जी और एसडीएम सर का दौरा हुआ, जिसमें पूरे महाविद्यालय को उन्होंने देखा बारीकी से। लाइब्रेरी में कार्यरत लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे शक हुआ कि वो शायद शराब का सेवन किए हों, उन दोनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उनको कार्य से मुक्त कर दिया गया है। और बाकी कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। अभी 2 साल पहले जो बिल्डिंग हमको हैंडओवर हुई थी हॉस्टल की और साइंस ब्लॉक की, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, दीवारों से लीकेज है, उसके लिए भी उन्होंने नाराज़गी जारी की। हमने उसके लिए लिखा है, अभी उसका काम चल रहा है छात्रावास में, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक छात्राओं को वहाँ रोकना ठीक नहीं है, ऐसा उनका भी कहना है और हमारा भी यही कहना है। बाकी सभी कर्मचारियों से और जितना भी स्टाफ था सभी से उन्होंने 1-to-1 बातचीत करी और महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उसको उन्होंने जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हमें आश्वासन दिया।